वालेकुम जी, नमस्ते, सात श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, आज का हम वीडियो देखने जा रहे हैं और ये वीडियो है एस जे शंकर जी के साथ, जो है वो फॉरेन एम्बेसडर जो है उन्होंने गरबा खेला है। भाई आपको पता है कि आजकल गरबा इंडिया में हर जगह पे हो रहा है, इंडिया क्या पूरी दुनिया में हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि उनके साथ कैसे मतलब उन्होंने गरबा खेला है। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विदेशी मेहमानों पर गरबा का जादू, डांडिया की धुन पर नाचे राजदूत, नवरात्रि उत्सव बना बेहद खास। देश में इन दिनों नवरात्र का जादू चारों ओर बिखरा हुआ है, हर आम और खास देवी दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है। अब ताजा खबर गुजरात से है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर 50 विदेशी राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ नवरात्रि उत्सव में शामिल होने पहुंचे। यहां विदेश मंत्री ने पहले तो अम्बा जी की आरती की और उसके बाद उत्सव में हिस्सा लिया। गुजरात से राज्यसभा सदस्य एस जयशंकर ने वडोदरा पहुंचने के बाद ट्वीट कर ये जानकारी साझा की कि उनके साथ आए हुए राजदूत और उच्च आयुक्त कार्यक्रम में शामिल होने और गरबा खेलने के लिए बेहद उत्साहित थे। इसके बाद रविवार को वो सभी लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी और अन्य आकर्षक चीजों को देखने के लिए केवड़िया जाएंगे। उनके मुताबिक गुजरात को समझने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। साथ ही यहाँ आए हुए विदेशी मेहमान भी काफी खुश और उत्साहित दिखाई दिए। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने इस मौके पर कहा कि हम गुजरात आए और गरबा महोत्सव में हिस्सा लिया, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, मैं अफगानिस्तान की तरफ से सारे गुजरातियों को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने हमें मान सम्मान और इज्जत दी। राजदूत डेनिस एलिपो उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैंने पहली बार गरबा खेला और मुझे बहुत अच्छा लगा, यह बहुत ही अच्छा महोत्सव है। वहीं भारत में तंजानिया के उच्चायुक्त अनीसा के मबेगा ने कहा कि भारत और तंजानिया का एक विशेष संबंध है, क्योंकि तंजानिया में रहने वाले अधिकांश भारतीय गुजरात से आते हैं, इसलिए ये मेरे लिए एक विशेष क्षण है। मैं रूसी राजदूत हूँ और मैं पहली बार गरबा खेलता हूँ, लेकिन बहुत पसंद आता है, बहुत शानदार महोत्सव है, ये गुजरात और भारत के बहुत बहुत शानदार महोत्सव है। It's a fantastic festival and the Danish ambassador, I'm so full of joy and happiness and may the light break the darkness. It's just fantastic to see all these people doing the united way. So it's a great festival and I wish all Indians across the world a happy Navratri. I'm so pleased, I'm so happy and wish you all the best in the future. It is my first time to attend this festival. It's so fantastic, so amazing. It's just awesome. This is incredible India indeed. I just love it. I love it. I like it. I am very, very happy and excited to get to know the Garba Festival. It's really impressive to get to know 35,000 people all together dancing. It is a unique festive and the joy is everywhere in all the people. So congratulations to Gujarat State for organizing this. It's unique and beautiful. Indian culture के बारे में आप क्या बोले, आप इधर देखेंगे तो खुशी ही खुशी झलक झलकती नजर आएगी और हम बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। This is just awesome. इतना बड़ा गैदरिंग तो दुनिया में कहीं पर नहीं दिखने को मिलेगा, जितना यहाँ गैदरिंग है इतना तो हमारा देश का पॉपुलेशन है शायद, और सभी लोग नाचते हुए गाते हुए फैमिली के साथ मजे ले रहे हैं। गरबा से पता लगता है कि गुजरात में लोग इतना खुश क्यों हैं, और मोदी मैजिक तो है ही जिसके पीछे सारा लोग बिल्कुल मैग्नेट की तरह गैल्वनाइज्ड है। ये बहुत मजा आया, बिल्कुल अलग सा एक कल्चर जो हमको फिजी में भी देखने को मिलता है लेकिन इस स्केल में नहीं। दिस इज जस्ट टू मच, इट्स माइंड ब्लोइंग। मैं अफगानिस्तान के ओर से, अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से सारे गुजरातियों को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने हमें बहुत मोहब्बत, मान और सम्मान दी। दिस इज अमेजिंग, इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू कम हियर
We are here accomplishing the invitation from the Ministry of External Affairs, and we really appreciate for this opportunity. It's wonderful to get in contact with the Indian culture and with the Gujarati culture. It's really amazing, beautiful. And I congratulate the people of Gujarat, the people of India, the government of Gujarat for this beautiful, wonderful spectacle. Tanzania and Gujarat have a special connection because most of the Indians living in Tanzania come from Gujarat. So this is a very special moment for me as a Tanzanian High Commissioner in India to witness such a rich culture from some of the people whom we live together in Tanzania. So it's really amazing, and I wish to thank the government of India through the Ministry of External Affairs for inviting us to come here to this beautiful city of Gujarat and witness such a very rich historical culture. We have a connection between Tanzania and India, and especially the people of Gujarat. So this is amazing. I feel so honored to be here. I love it. I congratulate you all for this beautiful celebration. मालूम हो कि राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाने वाला वडोदरा गरबा के लिए बेहद प्रसिद्ध है। गरबा में हजारों लोग शामिल होते हैं और वे देवी की आराधना में गीत संगीत के बीच पारंपरिक परिधानों में नृत्य करते हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया। ओह माय गॉड गाइस, एसजे शंकर जी ने तो वाकई में कमाल कर डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे ही यहाँ पर फॉरेन एम्बेसडर्स जो है डिफरेंट कंट्रीज के, वो गरबा में नवरात्रि में शामिल हुए हैं और जो है वो नवरात्रि में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी अप्रिशिएट किया है, उसके साथ साथ और लोगों को भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है कि नवरात्रि जैसे फेस्टिवल में, मतलब कि एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे जो कंट्री के इतने लोगों की पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी यहाँ पर क्राउड इकट्ठा हुआ है। मतलब कि इससे ये साबित होता है कि दे वर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, द ग्लो ऑन देयर फेस, जिस तरह से वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बातों में जो चमक नजर आ रही थी, खुशी नजर आ रही थी, वो लिटरली बहुत जबरदस्त था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, तो मुझसे जरूर शेयर करना आप लोग कैसे सेलिब्रेट करें। और दूसरा ये है कि अच्छा, लोगों ने ना गेटअप भी बहुत अच्छे से किया हुआ था, सेम टू सेम वैसे ही गुजराती स्टाइल में गेटअप किया हुआ था, एंड काफी खूबसूरत तरीके से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। गरबा भी खेला है यकीनन, और साथ में जो है वो इस मोमेंट को एंजॉय भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर किसी को एंजॉय करना चाहिए। आप जब तक एक दूसरे के फेस्टिवल्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, आपको आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअली रियल में क्या चीजें हैं। मुझे लगता है कि फन के तौर पे आपको जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए कि दूसरों के फेस्टिवल्स कैसे होते हैं। इस तरह से एक तो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन जाती है, दूसरा लोगों के साथ जो है ना वो माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। तो गाइज, आपको कैसा लगता है कि आप लोगों को लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए? मुझे तो बिल्कुल लगता है। कमेंट में बताएं आपकी आपको क्या लगता है। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह के फेस्टिवल्स तो आई थिंक सबको ही इंजॉय करना चाहिए और गरबा खेलना चाहिए, डांडिया, मुझे तो बहुत मजा आता है खेलने में। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, टिल देन टेक केयर, बाय।